हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्विंग हाईज और स्विंग लोज। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्विंग हाई और स्विंग लोज क्या होता है, उनको किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। हम किसी भी टाइम फ्रेम पे जब जाते हैं, चाहे वो 5 मिनट्स का है या चाहे वो 5 मंथ्स का है या 6 मंथ्स का है, तो हमें एक स्विंग लो और एक स्विंग हाई नज़र आता है। अब मार्केट जो है वो स्विंग हाई और स्विंग लो के दरमियान ही मूव कर रही होती है, और अगर ट्रेंड चेंज होना हो, ट्रेंड की जो है रिवर्सल आना हो, तो वो उस एक हाई को या लो को ब्रेक करती है। ठीक हो गया। तो हम देखते हैं कि स्विंग हाई जो है, ये इसकी डेफिनेशन है। स्विंग हाई किस चीज़ में, स्विंग लो और स्विंग हाई हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं, इनका हमें क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो ये डिटरमाइन ट्रेंड डायरेक्शंस, ये हमें ट्रेंड की डायरेक्शंस के बारे में क्लैरिफाई करते हैं कि ट्रेंड किस तरफ को है, और ये स्विंग हाई और स्विंग लो से ही पता चलता है जब हम उनको मार्क करके रखते हैं। सेट स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लेवल्स। स्विंग हाई और स्विंग लोज हमें ये इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट इस हाई को क्रॉस थोड़ा सा करके लिक्विडेशन लेके नीचे आ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग लिक्विडेशन को देखते हुए और सारा अपने चार्ट का एनालिसिस करते हुए हम अपने स्टॉप लॉसेस और टेक प्रॉफिट के लेवल्स रखते हैं। तीसरी चीज़ है आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हमें एक खास पॉइंट तक जाके आइडिया होता है कि मार्केट का हाई ये है, इसको ये थोड़ा सा ब्रेक कर सकती है, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और ये रिवर्सल ले लेगी, नीचे को आ जाएगी, नीचे वाली लिक्विडिटी लेने को आ जाएगी। तो रिवर्सल पॉइंट्स भी स्विंग हाईज और लोज हमें बताते हैं। मैं आपको आगे चार्ट पे चल के बताऊंगी कैसे। कन्फर्म चार्ट पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। चार्ट पैटर्न्स और ट्रेंड्स हमें कैसे पता चलते हैं, जब हम ट्रेंड लाइन्स खींचते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खींचते हैं, तो ये 2-3 चीज़ें मिल के हमें चार्ट पैटर्न्स का अंदाज़ा हमें होता है कि अब फॉलिंग वेज बन रहा है, अब राइजिंग वेज बन रहा है, अब एक डबल टॉप डबल बॉटम, या अब जो है बुलिश फ्लैग बन रहा है, बेरिश फ्लैग। तो ये इस तरह से हमें आइडिया होता है मार्केट की नेक्स्ट प्रेडिक्शन को, हम मूव कर प्रेडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट मूव को। तो स्विंग हाई और स्विंग लोज जो हैं, जब हम चले, अब मैं आप बाकी आपको चार्ट पे जाके कुछ चीज़ें समझाती हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन मिले चार्ट को देखे बगैर। ये मैंने अब जो मेरे चार्ट पे ये हाई और लो मार्क हुआ हुआ आ रहा है ना, मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि ये मैंने ट्रेडिंग व्यू की जो चार्ट सेटिंग्स है ना, यहाँ पे जो आती हैं, इनको मैंने क्लिक करके, जब आप ट्रेडिंग की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको चार्ट सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, तो मैंने हाई और लो को ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। तो जब मैं चार्ट खोलती हूँ तो मुझे इसको मैनुअली ड्रॉ नहीं करना पड़ता, मेरा खुद बखुद सेटिंग में ये चीज़ होती है। तो मैं ज़रा ना सारी ड्राइंग्स क्लियर कर दूं जो हमने लास्ट बनाई थी, फिर हम इसको ना लेके चलते हैं। अच्छा, अब ये मेरे पास ओपन है बिटकॉइन का, BTC USD का 4 आवर्स का चार्ट, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि स्विंग हाई और स्विंग लो को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें टाइम फ्रेम का ये सीन है कि जब आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहाँ पे उसका अपना अलग से एक लो और हाई होगा। जब हम 15 मिनट्स पे आएंगे, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, इन सब के अपने हाईज और लोज होते हैं। और स्विंग हाई और स्विंग लो का मतलब ये है कि अब ये जो लो बना हुआ है ना और ये हाई है, मार्केट इसके ही दरमियान मूव कर रही है, ठीक है। अगर तो मार्केट नीचे आती है तो इस लो को वो थोड़ा सा ब्रेक करेगी, इधर से लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और फिर हाई की तरफ दरमियान से लिक्विडिटी लेती लेती ऐसे zigzag की फॉर्म में होते होते अपने हाई को ब्रेक करेगी और फिर एक हमें हायर हाई बना के देगी। बेसिकली वो ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, ये जो सारी लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी है मार्केट वो ग्रैब करेगी और थोड़ा सा ऊपर एक हाई, एक नोक सी बना के, जैसे ये नोक बनी है, जैसे ये पीक बनी है, जैसे ये पीक बनी है, वो दोबारा से मार्केट बूम करके नीचे को गिरना शुरू हो जाएगी। कभी कभी एब्रप्टली नीचे गिरती है। और अच्छा, एक और आपको प्रो टिप दूँ, सीक्रेट टिप है मेरी, ऑब्जर्वेशन है, मार्केट जब ऊपर जाती है ना तो वो एकदम से ऊपर, एक ही बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि एक आधी कैंडल में मार्केट मूव कर जाए। मार्केट इससे पहले थोड़ा सा करेक्शन लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर करेक्शन लेगी, फिर ऊपर को जाएगी। खैर, मैं आपको ना बना के भी दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गई, इसने फिर थोड़ा सा करेक्शन लिया, फिर ऊपर गई, इसने फिर थोड़ा सा करेक्शन लेगी। यूँ मार्केट ऐसे जाती है। बेसिकली वो क्या कर रही होती है, वो लिक्विडिटी को ग्रैब कर रही होती है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की इंड्यूसमेंट्स बना रही होती है, लेवल्स बना रही होती है जहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट होती है, फिर वो उस क्रिएट लिक्विडिटी को लेने वापस आती है।
यहाँ पे आके जो मार्केट है ना वो क्या कहते हैं स्टॉप करेगी, ठीक हो गया। इस तरह से मार्केट ऊपर नीचे होती जाती है, उसके बाद फिर मार्केट जब यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगी तो फिर कैसे नीचे आएगी, फिर मार्केट यहाँ से अपना एक टर्न लेगी वापस रिवर्सल, फिर यूँ ऊपर नीचे, यहाँ से करेक्शन ऊपर की तरफ लेगी, यूँ मार्केट नीचे आती जाएगी करेक्शंस लेती, कभी वो करेक्शन थोड़ी बड़ी होगी, कभी वो करेक्शन थोड़ी सी छोटी होगी। तो ये रुके मैं चार्ट को थोड़ा सा ना कर देती हूँ, ये ना श्रिंक एक्सपेंड कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए सही तरह से। ऐसे मार्केट जो है ना यूँ फिर नीचे आएगी, ये फिर ऐसे आके इस लो को ब्रेक करेगी। तो अब जब स्विंग हाई और स्विंग लो हमने एक अपना क्रिएट किया हुआ होगा ना मार्केट का, जैसे ये एक हाई और लो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ही मेरे चार्ट पे शो हो रहा है, ये लो प्राइस है सबसे इस वक्त स्विंग की और ये हाई है, तो हमें आइडिया होगा कि मार्केट इस स्विंग को कितना ऊपर ब्रेक कर सकती है, हमारी एक्सपेक्टेशन होगी, और इस लो को मार्केट कितना ब्रेक कर सकती है। तो ये स्विंग हाई और स्विंग लो की डेफिनेशन है, इसको मार्क करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप एक अपना मार्केट का सबसे पहले ऊपर सुबह को उठ के चार्ट एनालिसिस शुरू करते हैं, क्योंकि एक प्रो ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा एक डिसिप्लिन को फॉलो करता है। फ़र्ज़ करें आप सुबह के टाइम उठे हैं, आपने फजर की नमाज़ पढ़ी है, आपने अपना उस वक्त का आज का मार्केट एनालिसिस करना है कि आज मार्केट किस तरफ को जाएगी, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ट्रेडिंग भी ओपन करेंगे, साथ अपनी कोई भी आप रैंडम वेबसाइट्स जो भी यूज़ करते हैं आप वो ओपन करेंगे, और आप अपनी मार्केट को जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले क्या चीज़ आप वॉच करेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप सबसे पहले ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। आप ट्रेंड को जब वॉच करेंगे कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या कंसोलिडेशन में है मार्केट, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए, क्या मार्केट मेरी मुस्बत मुझे इशारे दे रही है कि आओ मुझे ग्रैब करो, या मुझे थोड़ी देर बैठ के वेट करना चाहिए कि मेरे की जोन्स मार्केट में, तब तक आप अपने की जोन्स मार्क करके रख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। और सब्र, पेशेंस इज़ द की फॉर ट्रेडिंग, आपने सब्र करना है कि मार्केट आपके इस लेवल को आए या फिर इस लेवल को आए, लिक्विडिटी ले यहाँ की या यहाँ की, और फिर आपने एंटर करना है। ट्रेंड के बाद जो दूसरा सबसे पहला काम होता है वो मार्केट के अंदर आके आपका ये होता है, मार्क द स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज, ठीक है, ये याद रखना है आपने, अपने नोट्स साथ साथ बनाया करें। जब आप ट्रेंड की लाइन खींच लेते हैं, आप ट्रेंड को देख लेते हैं, ट्रेंड अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, चाहे आप न्यू हैं तो सिग्नल लगा के देखें। और मज़े की बात यह है, मैं हमेशा कहती हूँ हर एक चीज़ का इंडिकेटर है यहाँ पे, इवन स्विंग हाइज और स्विंग लोज का भी इंडिकेटर है। आप इंडिकेटर्स पे जाएंगे यहाँ पे और आप लिखेंगे स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज, तो आपको बेशुमार इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। मैं प्रेफर करती हूँ लक्स एल्गो को, आप लक्स एल्गो के इंडिकेटर्स के साथ जाया करें, वो बंदा मोर देन एक्सीलेंट रिजल्ट्स देता है अपने इंडिकेटर्स की बेस पे। तो ये एक और चीज़, ये मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि हर एक टाइम फ्रेम का स्विंग हाई और स्विंग लो अलग अलग होता है। जब आप ये इसको मार्क करेंगे तो आप डे वन पे जाएंगे तो वहाँ का और होगा, वहाँ पे 4 आवर्स का स्विंग हाई स्विंग लो मार्क किया वो आपको बड़ा छोटा सा नज़र आ रहा होगा, बिगर टाइम फ्रेम पे उसका ज़रा बिगर लेवल का स्विंग हाई और लो होगा। तो उम्मीद है कि आपको स्विंग हाई स्विंग लो और इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया हो गया होगा, इसको मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप चाहे स्विंग ट्रेडर हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हैं, चाहे आप इंट्राडे हैं, स्कैल्पर हैं, आप हमेशा अपने चार्ट पे ट्रेंड के बाद जो चीज़ फाइंड करते हैं ना, स्टेप नंबर 2 पे आप अपना ये जो है फाइंड किया करें, स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज, इससे आपको बड़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें वीडियो देखकर, वीडियो को लाइक कर दिया करें। मैं हमेशा कहती हूँ, आज फिर कहूँगी कि जो क्रिएटर होता है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल जाता है, और मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा।